How are you all? I hope you all are well at home. Am I right? Very good. Kids, welcome back. Here, I am Jyotsna from the Wisdom School, Sirsa. Kids, now assembly time. अभी कौन सा टाइम है बेटा हमारा? असेंबली टाइम है. और आज हम लोग असेंबली टाइम में क्या करने वाले हैं बेटा? सिंपल फ्रेजेस का रिवीजन, रिवीजन ऑफ सिंपल फ्रेजेस. बेटा मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ बहुत बार सिंपल फ्रेजेस, बट आज मैं उसका क्या करवाने जा रही हूँ? रिवीजन. ओके बेटा, सबसे पहले सिंपल फ्रेजेस क्या होते हैं बेटा? वो सेंटेंस जो हम लोग अपनी लाइफ में रेगुलर यूज करते हैं, चाहे हम स्कूल में यूज करें या हम घर में यूज करें, वो कॉमन से सेंटेंसेस होते हैं जो हम कर ही देते हैं, अक्सर करते हैं, जिनको बोलते हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में हम लोग डेली बेसिस पे वो यूज करते हैं, तो उनको बोलते हैं बेटा सिंपल फ्रेजेस. क्लियर? तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. शैल वी स्टार्ट? ओके, लुक एट द ब्लैक बोर्ड. सिंपल फ्रेजेस, सिंपल फ्रेजेस में हमारा फर्स्ट सेंटेंस जो है वो है बेटा थैंक यू. थैंक यू हम लोग कब बोलते हैं बेटा? जब हम लोग कोई चीज किसी से रिसीव करते हैं. ओके, व्हेन वी रिसीव समथिंग फ्रॉम अदर्स, है ना, हम लोग कोई चीज किसी दूसरे से रिसीव करते हैं तो हम उसके बदले में उनको क्या बोलते हैं? थैंक यू. क्लियर? अगर हमें कोई गिफ्ट देता है, कुछ देता है, तो हम उसको बोलते हैं थैंक यू. या हमें किससे पेंसिल चाहिए, मुझे प्लीज पेंसिल दे दो, तो हम क्या बोलते हैं? थैंक यू. ओके, क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस है बेटा हमारा सॉरी. सॉरी करते हैं हम लोग ऐसे कान पकड़ के. क्यों सॉरी करते हैं? जब हम कोई मिस्टेक कर देते हैं, उसको रियलाइज करने के लिए कि हमने ये मिस्टेक की है, हमें हमारी गलती का एहसास है, तो इसीलिए हम क्या बोल देते हैं? सॉरी, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा या नहीं करूंगी. क्लियर? ओके, नेक्स्ट सेंटेंस जो है बेटा वो है हमारा मे आई कम इन. मे हम लोग किस लिए यूज करते हैं बेटा? किस लिए यूज करते हैं हम लोग मे? हम लोग परमिशन लेने के लिए. वेरी गुड बेटा, मैं देख रही थी कि आपको याद है या नहीं है. हम लोग परमिशन लेने के लिए मे वर्ड का यूज करते हैं. तो जब हम लोग परमिशन लेते हैं, अगर आप स्कूल में हो, ठीक है, और आपको आप क्लास से बाहर हो, आपको क्लास के अंदर एंटर होना है, तो आप क्या बोलोगे अपनी मैम से? मैम मे आई कम इन? यस सर, मे आई कम इन? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आप परमिशन लोगे, आपकी मैम परमिशन देंगी, आप तभी तो अंदर आओगे ना. इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है बेटा मे आई गो. मैम मे आई गो टू वॉशरूम? मे आई गो टू ड्रिंक वॉटर? क्या मैं पानी पीने जा सकता हूँ या मैं वॉशरूम जा सकता हूँ? ओके बेटा, परमिशन लेने के लिए मे वर्ड का यूज करते हैं. ऐसी हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मे आई टेक द पेंसिल या इरेजर या शार्पनर, नोटबुक, कुछ भी बोल सकते हो. आपके पास पेंसिल नहीं है, आपकी फ्रेंड के पास पेंसिल है, तो आप क्या बोलोगे? मे आई टेक द पेंसिल? क्या मैं पेंसिल ले सकता हूँ? अगर इरेजर नहीं है तो क्या बोलोगे? मे आई टेक द इरेजर? ठीक है, जो भी चीज आपके पास नहीं है, अगर तो दूसरे के पास है, आपको उससे लेनी है, तो आप उससे परमिशन लेके लोगे. ऐसे कोई नहीं देता और ना आपको लेना चाहिए. ओके, क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस है बेटा हमारा एक्सक्यूज मी. एक्सक्यूज मी हम लोग कब करते हैं? जब हम स्नीज करते हैं, कफ करते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्यूज मी. या आपको एक किसी का नेम नहीं पता और आपको उससे कोई चीज पूछनी है, तो आप उसको क्या पहले बोलोगे? एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे ये बता सकते हो? एक्सक्यूज मी हम तब यूज करते हैं. क्लियर बेटा? उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वो है बेटा प्लीज. हम लोग प्लीज क्यों यूज करते हैं? रिक्वेस्ट के लिए. किसके लिए यूज करते हैं बेटा? रिक्वेस्ट के लिए. जब हमें कोई चीज चाहिए होती है तो हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं ना, प्लीज आप ये काम कर दो, प्लीज क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, प्लीज मुझे एक बार एक पेंसिल दे दो, प्लीज मेरे पास आज है नहीं, है ना, तो हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं. प्लीज इज यूज फॉर रिक्वेस्ट. क्लियर बेटा? उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट सेंटेंस है बेटा गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग हम लोग कब यूज करते हैं? जब मॉर्निंग हो जाती है, हम सबको विश करते हैं ना गुड मॉर्निंग, ये तो आपको बड़ा आपके लिए कॉमन है ना. उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है बेटा हमारा गुड बाय. गुड बाय हम लोग कब बोलते हैं? जब आप कहीं जा रहे होते हो, ठीक है, आप कहीं, या तो आप अपने घर से बाहर जा रहे हो तो अपने मम्मा पापा को बोलते हो ओके मम्मा मैं जा रहा हूँ गुड बाय, या आप कहीं पर गए हुए हो अपने फ्रेंड के घर, वहां से वापिस अपने घर आ रहे हो, तो अपने फ्रेंड को क्या बोलोगे? बाय बाय, गुड बाय बोलते हो ना आप लोग, ठीक है. और इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? सी यू टुमारो. आप लोग ये भी बोल सकते हो कि गुड बाय सी यू टुमारो, कि मैं अभी तो जा रहा हूँ, गुड बाय, मैं आपको कल मिलता हूँ. सी यू टुमारो मीन्स मैं आपको कल मिलता हूँ.
ठीक है बेटा, अगर आप डेली किसी फ्रेंड के पास जा रहे हो, ठीक है, रोज जाते हो आप, अब आप अपने घर वापस आ रहे हो, फिर आप कल उसके पास जाओगे ना फिर से, तो आप क्या बोलोगे? गुड बाय, सी यू टुमारो, अब हम कल मिलते हैं, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है बेटा हमारा सिट डाउन। सिट डाउन मीन्स बैठना। आपको मैम भी कई बार बोल देती है प्लीज सिट डाउन, तो आप बैठ जाते हो। सिट मतलब बैठना, डाउन मतलब नीचे नीचे बैठ जाओ। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है बेटा हमारा वेलकम। वेलकम हम कब लोग करते हैं? जब किसी का हम वेलकम करते हैं, किसी का स्वागत करते हैं। कोई भी जब गेस्ट घर पर आता है तो हम बोलते हैं ना आइए आइए, प्लीज वेलकम, हम बोल देते हैं ना, प्लीज कम वेलकम बोल देते हैं ना हम लोग, प्लीज वेलकम, है ना। ओके, तो हम किसके लिए बोलते हैं उसका? वेलकम करने के लिए, स्वागत करने के लिए। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है बेटा आई हैव डन माई वर्क। जब आप अपना घर पर वर्क कर लेते हो, स्कूल में वर्क कर लेते हो, तो आपका वर्क कंप्लीट हो जाता है, तो आप अपनी मैम को क्या बोलते हो? मैम आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूँ। या मम्मा को बोलते हो मम्मा आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना वर्क कर लिया। ओके बेटा, तो ये थे हमारे सिंपल फ्रेजेस में कुछ सेंटेंसेस जो आपको अच्छे से अपने घर पर रीड करने हैं, सुनने हैं। क्लियर बेटा? ओके, बाय बाय, टेक केयर।